क्लास टेंथ मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का ये सिंपल सा क्वेश्चन बहुत इजी सा है, इम्पॉर्टेंट है। कह रहे टेक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। कह रहे एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए बी इतना दे रखा है, ए सी इतना दे रखा है, बी सी इतना दे रखा है। आपको पता है जो सबसे बड़ी वाली लेंथ होती है अगर उसका स्क्वायर किया जाए, ठीक है, और बेसिकली और बाकी तो छोटे के सम के इक्वल आ जाए स्क्वायर के, तो वो बड़ी वाली लेंथ के सामने वाली जो एंगल होती है वो 90 डिग्री की होती है, ये आप जानते हैं। तो क्योंकि एमसीक्यू है उसी फॉर्मेट में हम करेंगे, सेंस करके लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो 6√3 इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 6 18 3 9 और 1 10, 108 आ गया। एंड उसके बाद वाला क्या है बच्चों, 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है। तो अगर दो तीनों साइड्स को देखेंगे आप तो ये सबसे बड़ी है, सिंस 144 और इधर क्या है 36 प्लस 108, ये 144 आ रहे हैं। इट मीन्स 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 108, मतलब 108 कहाँ मिलता है, 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बड़े वाले साइड का स्क्वायर छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब एंगल इसका क्या है 90 डिग्री हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो जो एंगल बी है वो 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल, आराम से आ जाएगा आंसर।